हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? देख सकते हो आज का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। ये देखो कितने प्यारे बादल छाए हुए हैं। और गाइस आज हल्की सी बारिश भी हुई थी। ये देखो मुझे मौसम बहुत अच्छा लगा। ये देख सकते हो आप। और पक्षी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो आज मैं बना रही हूँ सूखे आलू। और गाइस मैंने मसाला तैयार कर दिया था, देख सकते हो। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। तो गाइस इन्हें अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हो आप। तो गाइस ये ब्राउन हो गए हैं, ब्राउन हो गए। अब डालूँ इसमें टमाटर। टमाटर को मैंने पहले से बारीक कटिंग की है। तो गाइस इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक ये अच्छे से पक जाए इसके बाद इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक और मिर्च। मिर्च कम ही डालूँ क्योंकि हमारे घर में कम ही मिर्च खाते हैं। हल्दी, तो गाइस और इसे अच्छे से पकाऊंगी जब तक ग्रेवी खूब ना पके, तब तक ऐसे ही फ्राई करती रहूँगी। हल्का सा पानी डाल दूंगी। तो गाइस मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है, अब इसे अच्छे से पकने दूंगी इसमें। जब तक देखो गाइस अच्छे से पक गया है, खुशबू अच्छी आ रही है। गाइस मैं छोटे में हरा धनिया भी डाल देती हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छी खुशबू आए। तो खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। डालती हूँ उसमें आलू। आलू को अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। तो 5 मिनट तक मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। देखो मैंने अच्छे से फ्राई कर दी है, अभी इन्हें पकने के लिए छोड़ती हूँ। तो गाइस ये पक चुके हैं, अब डाल रही हूँ उसमें हरा धनिया। देखो पक गए हैं। बन के रेडी हो गए हैं, देख सकते हो। और पक्के कम हो जाते हैं, पककर कम हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। ये देख सकते हो बन के रेडी हो गए। तो गाइस मैं इधर रोटी बना रही हूँ, सब्जी मेरी पक चुकी है। इधर मैंने आटा गूंथ